और सामने मदीहल पीह हाफ समय तो बाद पहली कबड्डी बारी है। खेड के मैदान सामने नेपाल की खिडारन बढ़ के कोशिश कर रही है और पॉइंट है जोड़ा पाकिस्तान की टीम के लिए। और सामने फिर आप देखते भी नेपाल की खिडारन मैदान कबड्डी बाह रही है। अमन का कहने टॉपरे जाफे नाम है तो हथ खड़ा किया स्पोर्ट्समैन शिव की भावना दोहराई है। उधर इंडिया की टीम भी ग्राउंड पहुंच चुकी है। रणदीप कौर कप्तान है इस टीम की। इंडोनेशिया के नाम मैच खेला जा रहा है और सामने आप देख रहे हैं मुकाबला सख्त आओ सैरस सैरस अंक का वादा करते हुए आओ सामने राजवंशी राजवंशी रेड पा रही है मैदान लाओ राजवंशी पाई हुई कबड्डी चार खिलाड़ियों पाकिस्तान दी बिल्कुल तैयार ने। हम आप देखता भी मुकाबला अमन दे नाल फरिया है गुट लाया है पूरा जोर 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 वाह 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 दुनिया नच रही है दुनिया नच रही है। एंड कबड्डी की तम कबड्डी की तम पै रही है। शीरा भी फोटो खिंच रहा साडा वीर सामने आप देख रहे भी इस समय लतीफा रेड पा रही है मैदान लोग आओ सामने मुकाबला सख्त है पर पॉइंट पाकिस्तान की टीम का है। और सामने नेपाल के खिलाड़ियों मैदान अगली रोड पा रही है चार बिल्कुल तैयार ने। तो सामने आप देख रहे भी मुकाबला सख्त तो पॉइंट पॉइंट नेपाल की टीम का है पॉइंट नेपाल की टीम का है। रफी साहब का फैसला अंतम है और खेल के मैदान आप देखते हैं टाइम आउट की मंग है जी की गई है नेपाल की टीम वालों की टाइम आउट की मंग की गई है। खेल के मैदान उधर खिलाड़ी तो हल्की खिलाड़ी के सट बज गई है वाहिगुरु मेहर करे कि उन्होंने फलों की राखी कौन करता है। अगर पेंडे जो वार के आ रही दे मखण बराड की बेनती रब अगे कद सट ना लगे खिलाड़ियों के। ताली चौंदे वाला भी विशेष तौर पर पुजा है साडा भरा चौंदे की टीम का कहते वा ना है दुनिया के कबड्डी की खेड के गल् होंगे ने गुरी चौंदे वाले दियाँ गल् होंगे ने अशरे दियाँ सरदे दियाँ। काली चौंदे वाला भी पंजाब स्पोर्ट्स क्लब खेड है साडा परम मित्र अब विशेष तौर पर पुजा है पंजाब स्पोर्ट्स क्लब के नाल सामने बहुत तगड़े मैच की शुरुआत है जी मैदान हो जा रही है। पूरा चोटी का मैच खेडे जा रहे हैं कि गभरू चोटी के राजा वाजते जीर से दीपा वीरों त्यागो नशियां का जिंदगी नाल शरीका ये खेड पंजाबियों की रखनी चाहते जो चमका के सिंह फस गए कुंडियां दे मित्रों बह जाओ गोडी डागे सिंह फस गए कुंडियां दे मित्रों बह जाओ गोडी डागे। लो सामने सैरस पाकिस्तान की खिलाड़न इस समय आप देखते भी सैरस 13 नंबर किट के अगे में बढ़ रही है। लो हूँ देखते भी नेपाल दी चार खिलाड़ियां भी एन सुरताल घुमा रही ने पर सैरस नहीं रुकते नहीं रुकते सैरस मैदान अपनी टीम के लिए एक अंक का होर वादा कर रही है। सामने नेपाल की खिलाड़न अगली रेड पा रही है मैदान आओ मुकाबला अमन दे नाल है अमन इस समय अमन और पॉइंट नेपाल की टीम है। एन कहते सिरे का मैच है सिरे की कबड्डी हो रही है और सामने फिर पाकिस्तान की खिलाड़न खेड के मैदान आप देखते भी लतीफा इस समय मैदान पाँदी हुई रेड और सामने मुकाबला सख्त पर सामने पॉइंट पाकिस्तान की टीम है पाकिस्तान की टीम है। लो सामने फिर आ गई राजवंशी राजवंशी रेड पाने मैदान बढ़ रही है। हम आप देखते भी चार खिलाड़ियां पाकिस्तान दिया बिल्कुल तैयार ने। लो सामने मार भी हुई राजवंशी भर के टच भर के टच और पॉइंट नेपाल की टीम है पॉइंट है जो नेपाल की टीम है। बहुत तगड़ा मैच फिर मैदान खेडा जा रहा है और सामने देखता भी सैरस मैदान रेड पा रही है पाकिस्तान की टीम की खिलाड़ियां और सामने चार
बिल्कुल तैयार ने टेक्निकल पॉइंट है जो पवन जी फैसला दे रहे हैं भी पाकिस्तान ने गेम है नाल बलजीत सिंह जी खरड़ इंटरनेशनल टाइम कीपर नाल योश कैरो जी शेरा गिल नंबरदार कलर भैणी वाला अज के अंपायर ने हर उधरले पास पेट के मैदान पहलवान गुरमेल सिंह जी बिल्कुल खुश ने भी एन सरा लगे बज मलेशिया की धरती से हेमराज जी साढ़े राज बठिंडा जी सारे खुश ने बिटी घग्गा जी सामने आप देखते भी इधरले पास मुकाबला सख्त पर पॉइंट पाकिस्तान दे टीम का वाह दुनिया भब्बा भार है एन कहते सिरे भी कबड्डी देखने मिल रही है मलेशिया की धरती पर सामने राजवंशी मैदान इस समय परेड बार रही है ना देखा भी अमन जफा ला रहेगी या फिर भी साथी खिलाड़ियों फिर मैदान आओ राजवंशी नहीं रुक दो नहीं रुक दो नहीं रुक दो हाँ एन सिरे की टक्कर सिरे की टक्कर है मेरे भीरो सामने सरस मैदान सरस रोड पा रही है फिर मैदान एक दो तीन के जरिए गुरदीप सिंह संधु सरपंच कनेडा वाला रामगढ़ वह भी साढ़े नाल जुड़े हुए हैं साढ़े भरा उधरले पास सरस सरस नहीं हिस्सा फिर मैदान सरस आओ सामने आ गई नेपाल की खरन इस समय रेड पाउन दे पंजाब के कहते बड़िया स्क्रीन लगी हुई ने सरदार पाची साइड वाले ने बड़ी स्क्रीन लाई हुई है बलकार लाडी होर ने मनजीत भंगू बेकर भदर तेजी फौजी सारे दविंदर विक्की बाबा रगोला वाला रामिक कबड्डी के कहते एन सिरा हो रहा जो सिरे की टक्कर सिरे दियां गल्लां और सामने आप देखते हैं टाइम आउट भी जी मौजूदा पंजाब स्पोर्ट्स क्लब मलेशिया अज कहते एन मुबारक आ गया प्रधान जी तुम्हें सिरे की कबड्डी हो रही है दुनिया एन कहते अज इस कप का नजारा मान रही है आनंद मान रही है बहुत सारे मैसेज ने जो साढ़े एक दो तीन के जरिए आ रहे हैं दुनिया खुश है आनंद मान रही है इस मैच का साडा जगीर जगी धूरी मनदीप सोनी सुखी साडा कैमरामैन दुनिया की कहते भी एन मशहूर वन साइड अज इस कबड्डी कप में लाइव दिखा रही है दुनिया भर के माण है पंजाबियों की जिन शान फेड कबड्डी नरेंद्र सिंह जी राणा साड़ी इंडिया टीम के कोच बहुत ही नरम सुभा के इंसान ने बड़ा माण दे रहे हैं साड़ी माँ खेड कबड्डी बहुत सामने फिर हल्की मुद्दत के बाद फिर आप देखते हैं भी मदीहा लतीफा इस समय मैदान रेड पा रही है मदीहा लतीफा भी मैदान रेड पै चुकी है हम देखते भी सामने मुकाबला सख्त पर पॉइंट लतीफा का पाकिस्तान की टीम का वाह राजवंशी राजवंशी नेपाल के खिलाड़ी ने इस समय रेड पा रही है मैदान और सामने देखते भी चार मुटियारा सामना कर दिए ने लहरे गागे के लागे कहते खोखर पिंड स्क्रीना लागे मैच देखे जा रहे हैं मान दिता जा रहा है पंजाबियों की कबड्डी खेड में दुनिया लहर आनंद बन रही है खोखर कला खोखर कुरद गंदगढ़ के भी स्क्रीना लगिया हुई ने नगले के माण मिल रहा है कबड्डी खेड में लाओ सरस सरस इस समय रेड मारी और सामने नेपाल की खरन इस समय कर भी आवे कुछ और मार भी हुई कुछ पर पॉइंट है जरा इस समय सरस जोड़ भी हुई अपनी टीम के लिए वाह जी वाह क्या भाई नेपाल वालों नजारा आ रहा पाकिस्तान वालों कैसा चल रहे वाह जी वाह एन कहते संगत खुश है दुनिया पूरी खुश है भी मैच है जरा बिडी घग्गा जी और सिरे का हो रहा है और सामने आप देखते भी इस समय मैदान एन कहते रेड पै गई है लतीफा इस समय मदीफा लतीफा खेड के मैदान अंक का वाधा करती हुई अपनी टीम के लिए लाओ फिर आ गई राजवंशी रेड पाउन के लिए मैदान इस समय नेपाल के खिलाड़ी राजवंशी तगड़े मैच की शुरुआत हुई है मैदान एन कहते टॉप की कबड्डी और सामने वाह वाह राजवंशी राजवंशी अपनी टीम के लिए अंक का वाधा करती हुई
एन सिरे का मैच सिरे की कबड्डी तो वाटर ब्रेक है जी हर समय तो बाद हुई है। इस तो बाद जो मैच खेडा जाना है तो साढ़े कोचा नरेंद्र राणा जी दसणगे इंडिया तो इंडोनेशिया ठीक है जी। इस तो बाद जो मैच खेडा जाना है इंडिया तो इंडोनेशियन टीमों के विचकार खेडा जाना है वह भी मैच कहते एन सिरे का खेडा जाना है। उस तो बाद फिर आप गल करांगे अगले मैचों की। आ मैच कहते दुनिया के अज इतिहास रचने वाला जरा काम कर रहा है दुनिया के इतिहास रचा गया कि मलेशिया की धरती पहली बार फस्ट वुमन चैंपियनशिप हुई तो जरा नेपाल तो पाकिस्तान का मैच होया तो कहते भी सुनहरी अखर के लिख देना दुनिया ने अज का रिकॉर्ड तोड़ मैच है। गुरमेल पहलवान जी खुश ने पूरे एन नजारा लै रहे हैं साड़ी इंडिया के चेयरमैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद है नाल हेमराज शर्मा जी वह भी प्रधान ने साड़ी इंडिया के धन्यवाद सर्कल स्टाइल कबड्डी के मान रहे हैं। गुरमेल पहलवान जी बड़े ही नरम सुभा के अपने समय के महान पहलवान हुए ने माण है सानू उन्होंने कि वो कबड्डी बहुत उच्चा चक रहे हैं पूरी दुनिया के माण है सरदार गुरमेल सिंह जी पहलवान के उन्होंने समुची टीम के बहुत तगड़ा मैच और पहले हाफ तो बाद जी वाटर ब्रेक है वो हो चुकी है और आप देख रहे भी चोटी के मैच जे खेडे जा रहे हैं। इस तो बाद जो मैच खेडा जाना है इंडिया के इंडोनेशिया की टीमों के विचकार वो टीमों के खिलाड़ी भी बिल्कुल तैयार रहेंगे खिलाड़ी के खिलाड़ना वाओ सामने फिर मैच की शुरुआत जी हो जा रही है। सामने आप देखते भी मदीफा लतीफा मदीफा लतीफा मैदान रेड पा रही है जेडे सचे दिल तो करते हैं सत्कार ग्राउंडा का उन्होंने ही डरदा इन डालर पाउंडा का करते परवाह जो मित्रों गर्मी सर्दी की उन्होंने भी चढ़ती गोडी किस्मत नखरे कर दी ने करमजीत पिंड भागा वाले जिथे जिथे जुड़ता है आ परिवार ग्राउंडा का जेडे सचे दिल तो करते सत्कार ग्राउंडा का उन्होंने ही डरदा है नहीं डालर पाउंडा का तो लग गोचा के चरणी जिसम जो चंडी जाते हैं मेहनत मसलों में जो रोंदी जाते हैं फिर कितने जा बनते हैं शिंगार ग्राउंडा का जेड़े सचे दिल तो करते हैं सत्कार ग्राउंडा का उन्होंने ही डरदा है नहीं डालर पाउंडा का। कबड्डी की गल पूरी दुनिया के चल रही है चाहे गल मलेशिया चाहे गल कनेडा चाहे गल अमेरिका चाहे गल दुबई और सामने अज कहते मलेशिया की धरती कहते वे पद्धर के पंजाब हरियाणा के अब दुनिया लाइव देख रही है इस कबड्डी कप का आनंद माण रही है। एन कहते वे पद्धर के दुनिया जुड़ी हुई है अज इस मैच के मैच भी पूरा तगड़ा सरे की टक्कर है देखेंगे भी कि गेम ने जितना है या कि गेम ने हारना है तो आप समय का इंतजार करना है पर इधरले पासे देखने वाली गल है कांटे की टक्कर है लो सामने आ गई सैरस रेड पाने के लिए सैरस मैदान बनी हुई है हम देखना भी चार नेपाल दिलाड़ियां बिल्कुल सरताल के चैन घुमा रही ने और सामने आओ मुकाबला सख्त पर सैरस है जी पदा भी तेज खिलाड़ना है पदा भी तेज खिलाड़ना फुर्ती दे अंक का वाधा करते हुए राजवंशी ने भी अज सिरे दिया कबड्डिया पाइया ने नेपाल की टीम के लिए वाह राजवंशी की खेड भी बहुत वधिया है खेड के मैदान आप देखते भी मुकाबला सख्त है मुकाबला सख्त है मुकाबला सख्त है मुकाबला सख्त है राजवंशी भी नहीं रुकती राजवंशी भी नहीं रुकती खेड के मैदान कबड्डी की बल्ले बल्ले है और सामने आ गई खेड के मैदान इस समय मदीफा लतीफा रेड पाउंड के लिए मैदान बनी हुई है सामने आप देखते भी की गल बनती है पर इधरले पासे मदीफा लतीफा अपनी टीम के लिए एक अंक का होर वाधा कर गई है खेड के मैदान लाओ सामने फिर नेपाल की खिलाड़न अगली रेड पा रही है मैदान
डबल टच वाह एंड फिर भी कबड्डी हो रही है मैदान के और सामने आ गई फिर सरस रेड पाने वाली सरस आ गई मैदान के मुकाबला सख्त अगले पास कर दी हुई कोशिश और ला दी हुई पूरा जोर पॉइंट इस समय सरस का पॉइंट इस समय पाकिस्तान की टीम का लो सामने फिर आ गई राजवंशी रेड पाउन के लिए बहुत तगड़ा मैच इतिहास रचने वाला मैच खेडा जा रहा है मैदान के और सामने आप देख लिया भी फिर के मैदान पॉइंट राजवंशी हाँ नहीं भी सर क्या बात है क्या कबड्डी है क्या आनंद है हाँ नहीं भी सर ये है पंजाबियों की मां खेड कबड्डी जिंदाबाद वालों सामने आ गई खेड के मैदान नदीफा लतीफा आओ अंक का वाधा करती हुई अपनी टीम के लिए बहुत तगड़ा मैच और सामने फिर आ गई नेपाल की खिलाड़न रेड पाउन के लिए नेपाल की खिलाड़न वाह गुरमेल सिंह की पहलवान साल किदा भी लग रही है कबड्डी एन कहते भी सरा हो रहा दुनिया लैव जड़ी बैठी है और सामने आप देखते हैं भी मैदान सरस की रोड़ है पर उधर ले पास वाह पॉइंट है जोड़ा इस समय रेडर का है आप देखते हैं भी मैदान वंशी कबड्डी बारी है देखता भी चार खिलाड़ियों बड़ा मैच खेडा जा रहा है खेड के मैदान दूसरी वाटर ब्रेक है जी हुई है मैच का आनंद एन कहते पूरी दुनिया मान रही है दूसरी वाटर ब्रेक तो जेकर निगाह मारीे तो यह पंजाब का बिटी गगा जी तो सब तो पहला वाला मैच बन जाना है अज रिकॉर्ड बन जाने ने मलेशिया के वलों पंजाब स्पोर्ट्स क्लब वालों करवाए गए इस मैच का दुनिया के अज रिकॉर्ड बन जाना है पहले हाफ तक भी पॉइंट बराबर तो दूसरे वाटर ब्रेक तक भी पॉइंट प्रधान जी बराबर रहे ने एक वड्डा रिकॉर्ड है दुनिया के इस मैच का तो अज कहते हैं एन इतिहास के पन्ने पर गल लिखी जाएगी आने वाले समय के मलेशिया की धरती के पंजाब स्पोर्ट्स वालों एक मैच करवाया गया नेपाल तो पाकिस्तान का जिस कैन इतिहास रचने वाली गल होगी लो सामने आ गई मदीफा लतीफा रेड पाउन के लिए मैदान एन आप देख रहे भी सामने मार दिया वर्ग टच और सामने पॉइंट जरा मदीफा लतीफा भी टीम के लिए वाह जी वाह सामने आप देख रहे भी फिर नेपाल की खिलाड़न मैदान बिल्कुल तैयार है बिल्कुल तैयार है और जफा लग चुके हैं पाकिस्तान वाले नच रहे हैं सुखी फोटो खिंच रहे हैं यादगारी तस्वीर खिंच रहे हैं और सामने सरस मैदान रोड पा रही है आओ सरस की रोड सामने मुकाबला सख्त पर पॉइंट सरस का पॉइंट पाकिस्तान की टीम का बहुत तगड़ा मैच खेडा जा रहा है खेल मैदान इतिहास के मैच सामने राजवंशी इस समय राजवंशी रेड पा रही है मैदान और सामने मुकाबला सख्त है तो पॉइंट राजवंशी के लिए जुड़ता हुआ पॉइंट नेपाल की टीम के लिए जुड़ता हुआ एंड कहते सिरे की कबड्डी सिरे का मैच इधर शेरा गिल पैनी कलर भैनीवाल नंबरदार रैफर दिया सेवावान पवन कुमार जी नाल बलजीत सिंह जी खरड़ इंटरनेशनल अंपायर नाल राजेश कैरों जी ये सारे सेवावान दे रहे हैं एंड कहते चकोटी का मैच और सामने आ गई नेपाल की खिलाड़न मैदान रेड पाउन के लिए आओ सामने मुकाबला अमन दे नाल और पॉइंट नेपाल की टीम का
पॉइंट नेपाल दे दी मतलब बहुत तगड़ा मैच बरशीरो खेड़ा यार है दुनिया नंद मान रही है और सामने आ जावे इधर भी खेड़ के मैदान में जो सरस सरस रोड पा रही है और खेड़ के मैदान में गल वक्री हुई साढ़े वीर गुरी शेर हो रही मट हो रही है भी जो हो गए पूरी दुनिया के कबड्डी में लाइव देख रहे हैं सामने पॉइंट है जो इस समय मेरे वो सरस जोड़ गई है अपनी टीम के लिए और सामने फिर राजवंशी रोड पा रही है नेपाल की टीम की खिलाड़न मैदान बधी हुई है और सामने आप देख रहे हैं पॉइंट है जो पाकिस्तान की टीम का ना जी का एन सरे का मैच सरे की कबड्डी देखने को मिल रही है अब मलेशिया की धरती और सामने फिर मदीफा लतीफा इस समय मैदान रेड पा रही है आओ सामने पॉइंट पाकिस्तान की टीम का पॉइंट है जो पाकिस्तान की टीम का लास्ट बलों के पाकिस्तान की टीम ने प्रदर्शन बदल दिता है और खेड के मैदान आप देखते हैं डबल टच का पॉइंट जोड़ा नेपाल की टीम वास्ते जुड़ता हुआ एंड कहते सिरे की कबड्डी सिरे दिया गल सिरे की खेड लाओ सामने आ गई सरस सरस कबड्डी पाउण दे सामने मुकाबला सख्त है और सामने की गल बनती है और पॉइंट पाकिस्तान की टीम का फॉल नहीं खेलना खिलाड़न ने हल्की जी चोट आई है वाइट में देर करे किसी खिलाड़ी का बाल बिंदा ना हो गए वो खिलाड़न ने हल्की जी सट बज गए है इस तो बाद जो मैच खेला जाना है इंडिया ते इंडोनेशिया के टीमों के विचकार वह भी बहुत तगड़ा मैच खेला जाना है दोनों टीम बिल्कुल तैयार पर तैयार है इंडिया ते इंडोनेशिया आ मैच भी एक यादगारी मैच अज मलेशिया की धरती खेडा गया नेपाल तो पाकिस्तान दी टीमों के विचकार लो सामने फिर खेड के मैदान राजवंशी इस समय मैदान आ रही है राजवंशी की पई हुई रोड मैदान हम आप देखते हैं भी की गल बन गई है और सामने वाह आओ मुकाबला अमन दे नाल है मुकाबला अमन दे नाल है पर पॉइंट है जो नेपाल की टीम का पॉइंट नेपाल की टीम का पाकिस्तान के नेपाल एंड सिरे की टक्कर आपको देखने मिल रही है वो सामने फिर मदीफा लतीफा इस समय मैदान रोड पा रही है मदीफा लतीफा भी रोड है तो सामने मार दिया वट के टच और पॉइंट जो पाकिस्तान की टीम चलता हुआ मैच समाप्त 45 पॉइंट ने पाकिस्तान दे 40 पॉइंट ने नेपाल दे टीम दे पाकिस्तान की टीम यह मुकाबला जीत चुकी है नेपाल की टीम ने भी बहुत वधिया प्रदर्शन एक बारी दोनों टीमों के लिए प्लीज ताड़ी लगा दो दोनों टीमों के लिए हाँ जी वाह ठीक है जी पंजाब स्पोर्ट्स क्लब ने एक बेनती आई है भी जोड़े भी भरा टीमों को कोपरेट कर रहे हैं परेड कर रहे हैं तो प्लीज भरा कोपरेट कर सकते हैं जिन्हों को कमेटी के कार्ड बनाए हुए हैं
ਬਾਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨੇ ਨੇ ਬੈਠ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸੁਪਲੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਐਨ ਆਈ ਐਸ मैडम मंजीत जी अपनी टीम को लेकर पहुंच गए विशेष तौर पर धन्यवाद जिन्होंने अब भारी टीम बनाई हुई है इंडोनेशिया की टीम के साथ मैच खेलेगी आज इंडिया की टीम पहुंच चुकी है इंडोनेशिया की टीम को मैं बेनती करना भी तुसी भी प्लीज आप जल्दी ग्राउंड के जुड़िए दोनों टीम बिल्कुल तैयार ने प्लीज ग्राउंड के आ जाए दोनों टीम ताकि आप जल्द हुए मैच की जल्द शुरुआत करवा सकिए यादगारी मैच खेलिया गया नेपाल ते पाकिस्तान दी टीमां दे विच दुनिया दे उपर वड्डा रिकॉर्ड बनाया इस मैच ने ते दुनिया जद भी कबड्डी की गल करेगी तां इस कप नूं याद रखेगी दुनिया ठीक सारे वीर ध्यान देणगे जिहड़े ऑफिशियल ने उहनां तों बिना कोई भी आउटसाइडर है जिहड़ा प्लीज ग्राउंड दे आले वाले नहीं होवेगा तो सारे वीर उपर जाके उठणगे प्लीज तो साडी बेनती है पंजाब स्पोर्ट्स क्लब वालों जिंदा जी वालों प्लीज बेनती है सारे नूं प्लीज उपर जाके बैठना है आउटसाइडर ने जो सारे बाहर होणगे ये साडी बेनती है प्लीज सिर्फ दो सौ कार्ड इशू किए गए हैं प्लीज वो ही ग्राउंड के लागे रहेंगे जब शुरू करवाने जा रहे हैं इंडोनेशिया ते इंडिया सरदार गुरदेव सिंह जी पहलवान चेयरमैन सर्कल स्टाइल कबड्डी इंडिया साढ़े बहुत ही मानयोग सत्कारयोग नाल सरदार हेमराज शर्मा जी विशेष तौर पर कबड्डी का आनंद माण रहे हैं जी आखांगे जिन्होंने बहुत आया मान दे रहे हैं साड़ी खेड कबड्डी में सरदार जनार्दन सिंह जी गहलोत साहब सरवर भट्ट जी ये सारे रल मिल के कबड्डी में मान दे रहे हैं विशेष तौर पर धन्यवाद है कि मेहर बिना जो रब की मेहर हो जाए बंदा आन के बनता है मेहर बिना जो रब की मेहर हो जाए बंदा आन के फिर भलवान बनता सरदार गुरमेल सिंह जी पहलवान अपने समय के महान पहलवान रहे हैं तो हम कबड्डी में मान दे रहे हैं पूरी दुनिया के आप देखा भी जिन्होंने कल जो उन्होंने इंटरव्यू किया गया तो इंटरव्यू च दसिया भी आने वाले समय के आप इस तरह वड्डा वर्ल्ड कप करवावे बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरमेल सिंह जी पहलवान तो हेमराज शर्मा जी का जो मान दे रहे हैं पंजाबियों की मां खेड कबड्डी में जिन्हों की बदौलत पहला ईरान के भी एशिया कप होया है वड्डे तो अब भी पहली जो वोमन चैंपियनशिप है तो इन्होंने बताया हो रही है मैं एक बार फिर सरदार गुरमेल सिंह जी पहलवान तो हेमराज शर्मा जी ने मुबारकबाद दिना उन्होंने की हुई मेहनत सफल हो रही है तो ऐन सिरे की कबड्डी हुई है